हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है पोलावरम बांध परियोजना में आखिर विवाद क्यों हो रहा है। मींस कुछ भी नया चीज़ होता है उसमें कुछ अच्छी चीज़ है, उसमें आखिर विवाद का कारण क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है और इस पर क्या क्या वर्क हो रहा है और प्रॉब्लम किस बात पर है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आज का मेरा टॉपिक है पोलावरम बांध का विवाद। जो पोलावरम प्रोजेक्ट है उस पर हो रहा है विवाद, तो मैं उस पर आज चर्चा करूँगी कि ये प्रोजेक्ट किस चीज़ का है और इस पर किस चीज़ के लिए विवाद हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि पोलावरम बांध छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्यों है और ये बांध छत्तीसगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है तो छत्तीसगढ़ के कहाँ पर है। तो पोलावरम का बांध है वो छत्तीसगढ़ की सुकमा जो जिला है उसके और जो आंध्र प्रदेश है स्टेट उसके मध्य बन रहा है ये बांध। तो आंध्र प्रदेश हमारा आएगा, यहाँ से हम लेंगे तो ये हमारा एरिया आएगा आंध्र प्रदेश का, ये हमारा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का ये हमारा एरिया आता है सुकमा, ये हमारा एरिया है, सबसे निचला भाग आता है सुकमा और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है आंध्र प्रदेश। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है। पोलावरम बांध बना है, यहाँ से जो नदी जाती है, यहाँ से जो गोदावरी नदी जाती है, ये है हमारी गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी। अब इसमें जो गोदावरी नदी है बांध उसमें बना है, छत्तीसगढ़ में बांध नहीं बन रहा, लेकिन जो बांध है वो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा में गोदावरी नदी में बनाई जा रही है। तो गोदावरी नदी का प्रवाह देखिए आंध्र प्रदेश की ओर है और जो बांध बन रहा है वो इस एरिया में बन रहा है। ये जो एरिया है ये आपका बांध का एरिया है। तो ये जो बांध का पोलावरम बांध प्रोजेक्ट है, बांध परियोजना, वो रिलेटेड है छत्तीसगढ़ के जो एरिया, जो लास्ट वाली एरिया है सुकमा जिले के कोंटा तहसील का एरिया, ये आता है, इससे प्रभावित हो रहा है। तो ये आता है, ये तो हमारी सुकमा है, सुकमा जिला। अब ये जो बांध है हमारा ये है पोलावरम, पोलावरम का बांध बन रहा है कहाँ पे, गोदावरी नदी पे सुकमा, और छत्तीसगढ़ का लास्ट जो भाग है वो सुकमा का है और ये आंध्र प्रदेश, ये है हमारी आंध्र प्रदेश की सीमा। ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो अलग दूसरे स्टेट है। मैंने इसमें बताया गोदावरी नदी प्रभावित एरिया सुकमा, जो बांध है इसको मैंने ये नीचे में बताया कि बांध आखिर कहाँ पे है। इसके बाद मैंने बताया कि ये आंध्र प्रदेश में बन रहा है, आंध्र प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ की सीमा जो लास्ट वाली उस पर, और बांध का नाम है पोलावरम। अब बांध तो बन रही है लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्यों है, तो अब मैं इसको बताती हूँ प्रॉब्लम क्यों है। प्रभावित एरिया है सुकमा, छत्तीसगढ़ की जो सबसे निचली जनजाति वाली या पिछड़ी बोल सकते हैं वो एरिया है सुकमा, जो नक्सल प्रभावित है, नक्सल प्रभावित भी है। तो इस एरिया पे जो आदिवासी लोग रहते हैं और इस एरिया पे जो जनजाति या फिर इस पे लोग रहते हैं वो प्रभावित होंगे इस बांध से, क्योंकि ये जो बांध बन रही है वो सुकमा जिला के कोंटा तहसील। अब यहाँ पे सुकमा तो ये पूरे जिले हो गए, अब इस पे आएगा जो ये लास्ट वाली एरिया है वो है कोंटा तहसील, कोंटा।
अब हम बात करेंगे कोंटा में रहने वाले लोग कितने मात्रा में हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ प्रॉब्लम के बारे में कि ये बांध का विवाद है, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, विवाद का मेन कारण क्या है कि ये बांध बनने के लिए इसको रोका जा रहा है। तो इसका प्रॉब्लम में बात करूँगी। इसके प्रॉब्लम्स हैं, देखिए पहली बात, यहाँ पे जो कोंटा तहसील है वहाँ पे कितने लोग रहते हैं। तो कोंटा तहसील है वहाँ पे रहते हैं 18,000 से साढ़े अठारह हजार यहाँ पे लोग रहते हैं। अब इसमें ये मुख्य कारण है, इसके बांध बनने से रोकने के लिए इसका मुख्य कारण यही है। और इसमें इसका सबसे बड़ा और प्रॉब्लम है, ये जो एरिया है कोंटा तहसील का, यहाँ पे पाई जाती है जो विलुप्त हो रही प्रजाति है, जनजाति है छत्तीसगढ़ की, दोगला जनजाति। दोगला जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के जो इस एरिया है कोंटा तहसील के, वहाँ पाई जाती है सुकमा जिले में। अब ये जनजाति एकमात्र छत्तीसगढ़ में, ये जो लास्ट वाली पोर्शन है छत्तीसगढ़ के, वहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा कारण इसका, इसके परिवार की संख्या 545 परिवार है, 545 परिवार हैं दोगला जनजाति के, 545 परिवार हैं, 545 परिवार में कुल मिला के 18,000 लोग, 18,000 जनजाति निवास करते हैं। अब यहाँ पे चौथा प्रॉब्लम है, यहाँ पे टोटल 9 गांव इससे प्रभावित होंगे। ये जो प्रोजेक्ट है कोलावरम बांध, इससे टोटल 9 गांव प्रभावित होंगे। अब 9 गांव कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगी, 9 गांव कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी हम जो मेन प्रॉब्लम है उस पर वार्तालाप कर रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम इसका क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके मेन जो 9 गांव हैं वो कौन कौन से हैं जो इससे प्रभावित होगा। तो जो 9 गांव हैं, 9 गांव हैं वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 गांव हैं वो यहाँ पे आएगा इसका, ये प्रभावित 9 गांव। अब प्रभावित 9 गांव में मैं बताती हूँ, सबसे पहला गांव इसके अंतर्गत आता है वो है जामगुड़ा, वो है जामगुड़ा। ये जो मैंने 9 गांव वहां पे प्रभावित बताया है उसके अंतर्गत आएगा, पहला गांव है वो जामगुड़ा। दूसरा गांव यहाँ पे देखिए, दूसरा गांव आएगा मेटापुरा, मेटागुड़ा। तीसरा गांव यहाँ पे आएगा पेंदा किसोली, पेंदा यहाँ पे आएगा पेंदा। फिर चौथा गांव इसमें आएगा आसिरगुड़ा, पांचवा यहाँ पे आएगा इंजरम, ये गांव का नाम है। छठवा गांव है आपका फंदीगुड़ा, मीन्स फंदीगुड़ा।
जो तहसील है कोंटा तहसील। नौवां है लास्ट गांव जो प्रभावित है इससे, वो है वेंकटपुरम। ये नौ गांव मैंने बता दिया कि ये नौ गांव, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम था, 18,000 लोग निवास करते हैं। दोगला जनजाति यहाँ पे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की जो विलुप्त होने वाली जनजाति है वो है दोगला। दोगला जनजाति यहाँ पे निवास करती है। 545 परिवार यहाँ पे निवास करते हैं। प्रभावित जो गांव है, कितने गांव इसके अंतर्गत आएंगे, तो एक यहाँ पे बताया गया है कि 9 गांव इसमें प्रभावित होंगे। अब 9 गांव देखिए, 9 गांव कौन कौन से हैं प्रभावित। 9 गांव जामगुड़ा, इसके बाद आएगा मेटापुरा, फिर देखिए पेंदा किसोली, आसिरगुड़ा, इंजरम, पंदीगुड़ा, ढोंढरा, कोंटा, वेंकटपुरम। ये सारे जो 9 गांव हैं वो कहाँ पे आती है, ये जो सुकमा की सबसे लास्ट वाली एरिया है और जो आंध्र प्रदेश की सीमा जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा है वहाँ पे आती है ये 9 गांव। अब ये बांध बन रहे हैं गोदावरी नदी पे आंध्र प्रदेश पे। अब ऐसा तो नहीं है कि जो बांध है वो छत्तीसगढ़ पे नहीं बन रहा है तो छत्तीसगढ़ को प्रभावित नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जो बांध है वो आसपास की एरिया को प्रभावित करेगा ही। अब परेशानी ये है, इतने लोगों की परेशानी ये है, 18,000 लोगों की परेशानी ये है कि ये बांध बनेगा, कहाँ, जो आंध्र प्रदेश है और जो छत्तीसगढ़ की सीमा पे जो गोदावरी नदी है वहाँ पे बांध बनेगा, तो बांध बनेगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ। प्रॉब्लम ये है कि बांध बनने से किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान ये 18,000 लोगों को नुकसान होगा कि इन लोग अपनी जन्मभूमि, जो जन्म निवास क्षेत्र है, उसको छोड़ के आखिर जाए कहाँ। अब ये मैं बताती हूँ कि ये जो पहले से रह रहे हैं इन लोग, जन्म से ही दोगला जनजाति, इन लोग का जो व्यवसाय, जो भी अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं वो सारे ये अपने एरिया पे डिपेंड है। अब इन लोग जो पिछड़ी हुई जनजाति है उन लोग तो शिक्षित तो है नहीं कि इन लोग को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो इन लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो इन लोग को हो रही है प्रॉब्लम। 18,000 लोगों को, दोगला जनजाति को अगर हम दूसरी जगह शिफ्ट कर दें तो वो जनजाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि ये दोगला जनजाति है वो एक निश्चित एरिया में, एक एकत्रित समूह में यहाँ पे रह रही है। अगर इसको हम दूसरी जगह विस्थापन कर दिया जाए, तो वो धीरे धीरे सब अपने रोजगार की तलाश में अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगहों में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या हो सकती है, उनकी जो जनजाति है वो विलुप्त हो जाएगी या फिर उन वो जनजाति एकत्रित नहीं रह पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 545 परिवार एक साथ 9 गांव मिला के रह रही है। अब उसको 545 परिवार 18,000 लोग को एक साथ हम कैसे किसी दूसरे जगह पे कैसे इसको विस्थापित किया जाए, तो इतनी बड़ी तो एरिया छत्तीसगढ़ में है नहीं कि इसको एक ही जगह पे और गांव बसाए। तो परेशानी ये है इतने 18,000 लोगों की, दोगला जनजाति और 545 परिवार, 9 गांव मैंने ये बता दिया। गोदावरी नदी पर बना ये बन रहा है अभी तक कोलावरम का बांध, और छत्तीसगढ़ का ये सुकमे जिले के अंतर्गत आता है, आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहाँ पे ये बन रहा है। अब ये तो हो गए इनकी प्रॉब्लम, अब हम इस पे विचार करेंगे कि इनके प्रॉब्लम पे किस किस राज्य ने या सरकार ने या फिर पार्टी वाले ने या फिर कोर्ट ने क्या क्या किया, इस पे हम चर्चा करेंगे कि इनकी प्रॉब्लम के लिए आखिरकार कानून व्यवस्था में हो क्या रही है, कि निर्णय क्या लिया जा रहा है। तो ये अब रिपीट नहीं करूँगी मैं, ये तो इसके लिए मैं इसको मिटा देती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि ये जो
प्रॉब्लम्स हैं इसके सल्यूशन के लिए कौन सा प्रोसेस चल रहा है? प्रॉब्लम मैंने बता दिया, प्रॉब्लम से प्रभावित गांव भी मैंने बताया। अब मैं बताऊंगी कि इसके लिए क्या क्या विवाद चल रही है और इसके बनने वाले कितने खर्चे भी आए हैं या फिर अभी तक बना है या नहीं, इस पर मैं चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी कि इसके जो जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो रही है, इसके लिए वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और इसके लिए कौन कौन से वाद विवाद चल रहे हैं। तो यहाँ पे आती है आंध्र प्रदेश, ये है। फिर हमारा यहाँ पे आता है, ये पूरा भाग ये कवर करता है उड़ीसा, ये यहाँ से ये तो उत्तर प्रदेश के लिए है ये बीच वाली। उसके बाद यहाँ पे जो आती है, यहाँ से ये जो हमारा पोर्शन है वो हमारा आता है उड़ीसा के लिए। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ से भी पहले उड़ीसा के सरकार ने इसके बनने के लिए रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया। प्रॉब्लम हो रही है छत्तीसगढ़ की जनजाति लोगों को, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए कोई याचिका या जो भी कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया दायर नहीं किया। सबसे पहले दायर किया उड़ीसा के सरकार ने। तो उड़ीसा के सरकार ने कब दायर किया ये मैं बताऊंगी। उड़ीसा के सरकार ने 2000 साल में सबसे पहले उड़ीसा की सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में इसके लिए वाद दायर किया। मेन प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ के लोगों को, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले 2007 में उड़ीसा के सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक मांग चाहिए कि इसमें ये लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, इस पे क्या किया जाए और इसके रोक के लिए। 2007 हो गई। फिर इसके बाद आता है 20 अगस्त 2011 को। इसके बाद आता है 20 अगस्त 2011। इसमें क्या किया गया, 2011 में डिस्टेंस देखिया, 2007 में उड़ीसा की सरकार ने कोर्ट में जाकर गुहार लगाई, लेकिन इतनी डिस्टेंस देखिए, ईयर में 4 साल के अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ के सरकार को समझ आया कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए कोर्ट में पेश किया जाए। तो 20 अगस्त 2011 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ की सरकार आई न्यायिक मांग लेकर कि इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम हो रही है तो इसके रोक के लिए। अब 20 अगस्त 2011 को छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो 2007 का भी उड़ीसा की सरकार ने और 2011 को भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। फिर आता है 2012। अब देखिए 2007 में कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोई घोषणा नहीं की कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में कुछ। अब इसके बाद आता है 2012 में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण संरक्षण मंडल, 2012 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, ये
अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2007 में हो गया रहता तो छत्तीसगढ़ सरकार नहीं आती। 2011 में भी अगर इसकी सुनवाई हो गई रहती तो 2012 में इसका और कोर्ट का प्रोसेस नहीं चलता, लेकिन काम इसका हो ही नहीं रहा है कि बनना है कि इसको रोकना है, प्रॉब्लम हो जा रही है। अब 2012 में क्या हुआ, जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल है उसने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसका मेन निर्णय लिया ही नहीं। 2012 आ गई, अब देखिए 2012 के बाद 2019 कोई मतलब नहीं हुआ। अब आता है 2019 में आती है तेलंगाना की सरकार। इसमें आती है 2019 में आती है तेलंगाना की सरकार। ये भी गया, चलो कुछ तो बार बार जाने से कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, ये सोच के ये भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई अपने प्रॉब्लम उड़ीसा का भी नहीं है, प्रॉब्लम ये तेलंगाना का भी नहीं, प्रॉब्लम है मेन छत्तीसगढ़ वालों को, छत्तीसगढ़ की जो 18,000 जनजाति निवास करती है, प्रॉब्लम उसके लिए है। लेकिन मदद कौन कर रहा है, उड़ीसा की सरकार कर रही है और ये तेलंगाना की सरकार, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश ये सारे विवादित हैं। विवादित क्यों है, ये पोलावरम का बांध जितना बन नहीं रहा है उससे ज्यादा ये विवाद खड़ा कर रहा है। तो देखिए अब 2019 में गया तेलंगाना की सरकार, गई सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसका भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, उसका भी कोई निर्णय नहीं आया। अब सबसे रोचक बात ये है कि सारे प्रोसेस तो हो रहे हैं, ये न्यायिक प्रोसेस सारी चल रही है, लेकिन बांध बनना अभी तक रुका नहीं। ये मैंने न्यायिक प्रोसेस बताया। अब सबसे बड़ी ट्विस्ट ये आती है कि बांध लगातार बनी जा रही है और बांध बनने का जो प्रोजेक्ट है उसका अंतिम डेट था इसका मार्च 2021 को, इसको क्या हो जाना था, पूर्ण तरीके से ये बन जाना था, इसके बनने का अंतिम समय क्या था, इसके बनने का लास्ट तारीख क्या था, ये मार्च 2021 में इसको क्या करना था, कंप्लीट करना था। मार्च 2021 में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, लेकिन 2020 के अध्ययन और देखे वहां पे सर्च किए तो पता चला 2019 और 20 में ये प्रोजेक्ट हो गया था, 2019 और 20 में ये प्रोजेक्ट अपना 70% वर्क क्लियर कर चुका है, मतलब 70% जो प्रोजेक्ट का वर्क है वो कंप्लीट है। अब बताए, अब मैं ये और बता देती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लागत कितनी है, ये मैं बताती हूँ। इसका बजट है 55,000 करोड़। अब देखिए, एक तरफ है 18,000 लोग
18,000 लोगों का जीवन और एक तरफ है ये 55,000 करोड़ रुपए, ये दोनों एक दूसरे एक साथ विवाद में हैं, फंसे हुए हैं बीच में कि नुकसान तो एक चीज़ों को होगा ही, या तो ये जनजाति को नुकसान हो या तो ये प्रोजेक्ट को नुकसान हो। अब कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब ये जो प्रोजेक्ट है वो पहले स्टेट का था, प्रोजेक्ट पहले था स्टेट का, इसके बाद इसको जो हमारे करेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको क्या कर दिया, नेशनल प्रोजेक्ट, पीएमआई, ये अब देखिए जो हमारे करेंट श्री नरेंद्र मोदी जी हैं पीएम, उन्होंने क्या कर दिया, ये प्रोजेक्ट जो स्टेट का था उसको कर दिया नेशनल प्रोजेक्ट घोषित। अब ये हो गई हमारी नेशनल प्रोजेक्ट, ना तो ये किसी राज्य का है ना तो किसी सीमा से लेना देना है, ये हो गई पूरे भारत की प्रोजेक्ट। अब ये पोलावरम का जो प्रोजेक्ट है वो पूरे भारत का नेशनल प्रोजेक्ट बन गया। इसकी बजट देखिए खर्च कितने आएगी, 55,000 करोड़, ये कम पैसा नहीं है और ना ही 18,000 लोग कम हैं। तो दोनों एक दूसरे के बीच में फंसे हुए हैं कि बचाना किसको है, ये 18,000 लोगों को बचाना है या फिर ये 55,000 करोड़ रुपए को बचानी है। अब देखिए नेशनल प्रोजेक्ट बन गया, तो अब ये सोचिए जब न्यायिक इसका प्रकरण चल रहा है, ये न्यायिक प्रकरण शुरू हो गया है 2007 के आसपास, उस समय से अभी तक चल ही रहा है और इसका जो बजट देखिए 55,000 करोड़, ये कम अमाउंट नहीं है, ये सारे खर्च होते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसको बीच में बोल दिया जाए कि डिस्टेंस देखिए 2007 और अभी कितना है 2021, 11 साल इधर का 3 साल उधर, 14 साल, इन 14 साल में ये प्रोजेक्ट तैयार होते जा रहा है और ये जो इन्वेस्ट है पैसा ये लग रहा है। तो अब ये सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आता है कि प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि 18,000 लोगों को हमें संरक्षित रखनी है, जो दोगला जनजाति है उसको हमें बचानी है, तो अगर इसको रोकेंगे, जो 18,000 लोगों को रोकेंगे, तो ये पैसा आखिर में जाएगा कहाँ। तो बात ये है जो इतनी अमाउंट की पैसा इन्वेस्ट हुई है 55,000 करोड़ के आसपास लगभग, इतनी इन्वेस्ट हो रही है, इसको क्या करेंगे। तो आखिर में ये पैसा अगर सुप्रीम कोर्ट, ये जो लोगों की साइड में सुप्रीम कोर्ट अगर ये लोग हैं इसके साइड लिया, अगर ये सुप्रीम कोर्ट इसके साइड ली और ये जो प्रोजेक्ट वाला पार्ट है वो हो गया फैल, तो नुकसान देश को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा है कि इतनी सारी अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट पड़े हैं प्रॉब्लम में कि ये 55,000 करोड़ को बचानी है या फिर ये दोगला जनजाति है उसको बचानी है, इसीलिए इसका विवाद का कोई अभी तक मेन निर्णय नहीं आया है कि जनजाति को बचानी है या फिर प्रोजेक्ट को। लेकिन जो निर्णय नहीं आया है फिर भी ये प्रोजेक्ट अभी तक तैयार क्यों हो रहा है, इसको रोक देना चाहिए था उसी टाइम पे जब तक इसका मेन सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता कि इसको बनना है या फिर ये जो जनजाति है उसको बचाना है। तो लेकिन ये सारी प्रोसेस अभी तक चल रही है बनने का, ये अभी तक 2019-20 के जो गणना वो किए थे, देखने इसको सर्च किए थे, तो ये हो गया था 70% कवर। अब ये माना जाता है कि 2022 में ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, 2022 में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब 2022 में कंप्लीट हो गया, इसकी लागत बताई 55,000 करोड़, तो 55
गया। और जो जनजाति है वो है अपनी चिंता में, जो 18,000 लोग हैं वो हैं परेशानी में, चिंता में कि हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उन लोग अपनी जो मातृभूमि है, एरिया है, वहाँ पे पूरी तरीका से एडजस्ट हो चुके हैं कि उनका उनको अपना जीवन यापन कैसे करना है। अब उनको परेशानी ये है कि अगर हमें यहाँ से बेघर कर दिया जाए, मीन इस एरिया से हटा दिया जाए सारे 18,000 लोगों को, तो इन लोग अपनी बसावट कैसे करेंगे या फिर दूसरी जगह जाके कैसे विस्थापित होंगे और कैसे अपनी जीविकोपार्जन करेंगे। अब मैं ये बताती हूँ कि अब चलिए हम इसके बाद आते हैं कि इस टाइम पे देखिए 2007 में नई प्रक्रिया शुरू हुई। 2007 में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस टाइम के थे 2007 में श्री रमन सिंह, जो थे भाजपा के, जबकि केंद्र में हमारा था श्री मनमोहन सिंह। तो पीएम थे केंद्र में मनमोहन सिंह, वो थे कांग्रेस से। तो देखिए मैं इसमें अब पार्टी वाद विवाद, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में 2007 में भाजपा की सरकार थी तो केंद्र में थी कांग्रेस की। अब ऐसा हो गया कि 2020-21 में सरकार है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, तो जो हमारी सेंटर में है जो पीएम है वो है भाजपा से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब हमले 2007 में और 2020 में 2020-21 में, तो दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस कुछ और पार्टीवाद या फिर कुछ न्यायिक प्रकरण के कारण ये जो प्रॉब्लम है वो 2007 से 2021 तक ऐसी बनी की बनी हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब इसका दोष आप पार्टीवाद को दें या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आने का इंतजार कर रहे हैं उस पे दें, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि इसमें न्यायिक प्रक्रिया का जो लास्ट निर्देश है, आदेश है, वो क्या होगा, वो उसका अभी तक कोई एक आदेश नहीं आया है कि इसमें प्रोजेक्ट में क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो ये मैंने बता दिया कि 2007 से 2021 तक का क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है ये मैंने बताया, कौन सी कितने लोग हैं ये बताई, कौन सी जनजाति विलुप्त होगी, और 545 परिवार हैं, 9 गांव हैं, और ये बन रही है जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो है गोदावरी नदी पे बन रहा है, आंध्र प्रदेश स्टेट पे है, इससे प्रभावित होगा सुकमा जिले के जो 9 गांव हैं उसके लोग इससे प्रभावित होंगे। और मैंने इसका बता दिया इसमें बजट कितनी आ रही है, 55,000 करोड़। अभी तक ये 2020 तक ये 70% कवर हो चुका है, 2022 में इसको कंप्लीट हो सकता है ऐसा अनुमान लगाया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसमें कवर और इसमें देखिए अब सरकार का कहना ये है, देखिए इतनी तो हो गई कि 2007 से 2021 तक क्या हुआ, अब मेन मुद्दा ये है कि लोग बोलते हैं, अब देखिए पार्टीवाद में लोग बोलते हैं कि 2007 से भूपेश बघेल की सरकार आई वो तो है 2018 में, लेकिन इससे पहले था इससे पहले थे सीएम छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, तो उनका सरकार था भाजपा का। अब भाजपा वाले बोलते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार है वो इस पे रोक क्यों नहीं लगा सकती, क्यों नहीं लगा रही है। अब भूपेश बघेल की सरकार दोष देती है उसके पार्टी के लोग दोष देते हैं भाजपा सरकार को कि भाजपा सरकार ने तो यहाँ 15 साल तक यहाँ पे शासन किया,
ये 15 साल तक यहाँ पे रहे बीजेपी। अब कांग्रेस के लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग यहाँ पे 15 साल तक शासन किए, ये बीजेपी की सरकार जब ये प्रोजेक्ट बनने को तैयार था उसी टाइम पे रोक क्यों नहीं लगाई। तो ये दोनों पार्टियों में ये विवाद चल रहा है कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग तो बोलते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार है वो रोक क्यों नहीं लगा रही है, और जो कांग्रेस के लोग हैं वो बोलते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रही तो उन्होंने रोक क्यों नहीं लगाया। अब दोनों पार्टियों के विवाद में फंसा हुआ है ये 18,000 लोग फंसे हुए हैं, ये 18,000 लोग ये पार्टियों के विवाद के कारण ही भुगतना ये 18,000 लोगों को पड़ेगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो पूरे भारत में सबसे पहले तो याचिका कोर्ट में जो प्रॉब्लम है उसको लेकर गया उड़ीसा की सरकार, छत्तीसगढ़ से पहले उड़ीसा की सरकार में लेकर गया, फिर इसके बाद आया छत्तीसगढ़। तो जब लोगों के हित के लिए उड़ीसा की सरकार आगे आ सकती थी तो छत्तीसगढ़ की सरकार उस टाइम पे आगे क्यों नहीं आई। तो इसके बाद 2007 से 2011 का डिस्टेंस, चार साल के बाद ही छत्तीसगढ़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट गया अपनी प्रॉब्लम लेके। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन मैं बताती हूँ कि क्या बोला जा रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है इतने लोगों की, इसकी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि सरकार इसके सॉल्यूशन के लिए क्या बोलती है। तो सरकार बोलती है कि ये जो 18,000 लोग हैं उसको हम किसी एक स्थान से, जो उनके 9 गांव हैं उससे किसी अन्य स्थान पे क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, मीन्स सारे लोगों को दूसरे जगह बसाएंगे। पहला तो हो गया सॉल्यूशन का, उसको दूसरे जगह अन्य जगह लेकर जाएंगे। और बोल अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और बोलते हैं कि बोला जाता है कि लोगों को देंगे रोजगार। लोगों को मिलेगा रोजगार, फिर अब ये जो बोल रहे हैं उसमें प्रॉब्लम देखिए, जो सॉल्यूशन है उसमें प्रॉब्लम निकाला जा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकल गया लेकिन जो सॉल्यूशन है उस पर भी प्रॉब्लम निकाला जा रहा है। अब ये अन्य जगह बसाएंगे, इस पर प्रॉब्लम देखिए कि इतने सारे लोगों को कैसे किसी अन्य जगह पर विस्थापित किया जाए, मतलब कम अमाउंट में है बहुत सारे 18,000 लोग 9 गाँव को कैसे किसी दूसरे जगह पे एक साथ कैसे उसको बसाएं, उसको प्रॉब्लम ये हो गई। फिर दूसरी प्रॉब्लम रोजगार की है, दूसरी प्रॉब्लम है रोजगार की कि 18,000 लोगों को जो जनजाति हैं उसको रोजगार, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार देना। अब ये जो जनजाति हैं ना तो वो पढ़े लिखे हैं, ना ही शिक्षित हैं, ना ही उनको कुछ काम धंधे आते हैं, ये सारे अपने जो यहाँ की जंगल है उसके अनुसार ढले हुए हैं, मतलब जंगल के अनुसार एडजस्ट हैं। अब उसको हम बोलें कि आप सिटी में आओ और आपको किसी कंपनी में जॉब कराएंगे या फिर कुछ आपको काम धंधे देंगे, अब वो बेचारे अनपढ़ अशिक्षित जिनको कुछ नहीं आता, जो केवल जंगलों पर आधारित रहते हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अब उनको हम क्या रोजगार दें तो वो अपना जीविकोपार्जन करेगा। प्रॉब्लम ये है कि जगह तो अन्य जगह बस जाएंगे, मान लीजिए अन्य जगह उसको सरकार बसा भी दे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो ये तो अपने एरिया छोड़ के किसी दूसरे जगह, मान लीजिए इसको किसी दूसरे जगह हम यहाँ पे जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसके किसी खाली भाग में बसा देंगे। अब प्रॉब्लम यही है कि उनको रोजगार देने का, सरकार बोल रही है कि रोजगार देंगे लेकिन ये बात है कि उन लोग रोजगार के काबिल नहीं हैं, उन लोग न अशिक्षित हैं, उन लोग एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे ना तो बिजली
पानी, ये सारी सुविधाएं बहुत दूर दूर तक है। उन लोग जो शहर के माहौल हैं उससे बहुत ही दूर हैं, तो उन लोग को बीच जो अन्य जगह पे बसाएंगे तो उन लोग को होगी इससे प्रॉब्लम। इसीलिए ये जो जनजाति है वो है प्रॉब्लम में, इनका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। नहीं तो देखिए, अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसको सॉल्यूशन ना किया जाए, क्योंकि किसी अन्य जगह इसको ट्रांसफर बस करना है, दूसरे जगह बसानी है, तो वो तो सिंपल से किसी दूसरे जगह बसा दिया जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दूसरी जगह पे एडजस्ट नहीं हो सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग दूसरी जगह एडजस्ट नहीं हो सकते, और प्रॉब्लम ये है कि जो 545 परिवार है, अगर ये दूसरी दूसरी जगह पे, अब छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार बोलेगी कि इसको हम दूसरी दूसरी जगह पे, ये 545 है तो 100 परिवार अलग, 200 परिवार अलग, ऐसा करके अलग अलग करेंगे, तो ये जनजाति क्या हो जाएगी, धीरे धीरे और काम की तलाश में अलग अलग एरिया में चली जाएगी। और ये जनजाति जो अभी एकत्रित रूप से जो 9 गांव में हैं वो क्या हो जाएंगे, दूसरी जगह फैल जाएंगे और क्या हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगी। तो ये जो दोगला जनजाति है वो एकमात्र जो सुकमा की लास्ट वाली एरिया है जो 9 गांव की, वही निवास करती है। इसके अलावा और दोगला जनजाति कहीं पे भी नहीं पाया जाता। पूरे ऊपर के मध्य और ऊपर के छत्तीसगढ़ में दोगला जनजाति का जो इसका बायोडाटा है वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सुकोंटा तहसील के एक तहसीलदार ने इसके बारे में जानकारी दिया था कि दोगला जनजाति जो बीजापुर है यहाँ पे भी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। जो बीजापुर का एरिया है वहाँ पे भी कुछ मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से दोगला जनजाति जो सुकमा जिले हैं उस पे, उसकी सबसे निचली वाली हिस्से जहाँ पे 9 गांव मैंने बताई, वहाँ पे पाया जाता है दोगला जनजाति। और इसकी क्वांटिटी है 18,545 परिवार 9 गांव। तो मैंने इसका बताया सबसे पहले प्रॉब्लम, फिर जो कोर्ट वाला प्रोसेस बताया कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कि इसमें कब कौन से राज्य ने इसकी गुहार लगाई इसकी न्यायिक मांग के लिए, और मैंने ये बताया कि ये जो स्टेट वाला प्रोजेक्ट था इसको श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया, इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया। और देखिए, इसके सॉल्यूशन के लिए सरकार बोलती है अन्य जगह बसाएंगे और रोजगार देंगे, लेकिन अन्य जगह बसाने में भी प्रॉब्लम है, रोजगार देने में भी प्रॉब्लम है। अन्य जगह बसाएंगे तो इतने सारे लोगों को एक साथ बसाएंगे कैसे, मतलब एक साथ कैसे बसाएं, किसी जगह कैसे ट्रांसफर करेंगे तो भी 18,000 है तो 5,000 अलग, 10,000 अलग, 8,000 अलग, ऐसा करेंगे तो इससे क्या हो जाएगी, जो गाँव है इन लोग का वो हो जाएगा, बिखर जाएगा, मीन्स सारे परिवार अलग अलग हो जाएंगे। और देखिए, दूसरा इसका सॉल्यूशन रोजगार है। अब रोजगार को मैं प्रॉब्लम बता रही कि रोजगार इसको अगर दे भी दे, इन लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, इन लोग क्या रोजगार करेंगे, और इन लोग को कुछ काम आता नहीं। जो हमारे मध्य और ऊपरी छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं शिक्षित, इन लोग वैसे नहीं हैं कि इन लोग को कुछ अच्छे तरीक़ा से रोजगार दिया जाए। इन लोग केवल अपना जो काम है वो वनों पर आधारित ही काम करते थे, और वन पे आधारित ही अपना जीविकोपार्जन करते थे, जीवन यापन करते थे वन पर आधारित। तो अब आप ही निष्कर्ष निकालिए कि ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद ये कोलावरम का जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्मल कैसे हो सकता है। तो इसीलिए जो कोलावरम की जो बांध परियोजना है वो है परेशानी में, तो इसका विरोध कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, उड़ीसा सरकार, और ये तेलंगाना सरकार, और ये आंध्र प्रदेश के लोग तो खुश होंगे क्योंकि उनके राज्य में ही जो परियोजना बन रही है वहाँ के लोग इससे प्रभावित नहीं हैं, इसीलिए उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आंध्र प्रदेश की सरकार इसको बनवाना चाहती है क्योंकि वहाँ के लोगों को इससे फ़ायदा होगा, वहाँ के जो प्रदेश है उसके लिए ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हम ये नहीं बोल रहे कि ये जो बांध है वो मतलब हानि में जाएगा, ये
बांध है वो हमेशा कुछ अच्छे चीज के लिए होता है कि वहाँ पे बिजली उत्पादन किया जा सकता है या सिंचाई की प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन के लिए बांध बनाया जाता है। लेकिन जो बांध बन रही है उससे प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ के 18,000 लोगों को। प्रॉब्लम का मुद्दा ये है, विवाद का मुद्दा से मेन ये है कि 18,000 लोग जो दोगला जनजाति है ये है विवाद का मेन कारण। तो पता चल गया होगा कि पोलावरम नाम जितना सरल है उतना इसका काम कठिन है, कठिन हो गया। इसका जो जो न्यायिक निर्देश है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है कि इसके विपक्ष में या विपक्ष में जो प्रोजेक्ट है इसके पक्ष में निर्णय लिया जाए या प्रोजेक्ट के विपक्ष जो लोग हैं उसके साइड लिया जाए निर्णय, ये दोनों अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बांध अभी तक लगातार बन रही है, वो 2020 में 70% तक कवर हो चुका था, 2022 में उसको पूर्ण 100% तक कवर करने की घोषणा की गई है कि जो प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उन लोग क्या कर रहे हैं कि 2022 तक ये प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट। इसकी लागत है 55,000 करोड़, इसकी लागत है 55,000 करोड़। तो देख लीजिए, और इसका जो याद रखने वाला मेन पॉइंट है, ये पहले था स्टेट प्रोजेक्ट, इसके बाद ये हो गया है नेशनल प्रोजेक्ट। तो देखिए पोलावरम बांध कितना बड़ा विवाद का चल रहा है, इस पर कितने सारे विवाद हैं, इसका न्यायिक अभी तक नहीं आया है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि पोलावरम बांध का विवाद क्या है, बांध कौन सी नदी पे बन रही है। मैंने बताया बांध बन रही है गोदावरी नदी, गोदावरी अपवाह तंत्र है तो गोदावरी नदी पे बन रही है और आंध्र प्रदेश स्टेट पे बन रहा है। तो आपको ये समझ आ गया होगा पोलावरम बांध का आखिर मुद्दा क्या था, वाद विवाद का प्रॉब्लम सॉल्यूशन, क्या क्या उपाय कर सकते हैं और क्या क्या उपाय नहीं कर सकते, ये सारे टॉपिक मैंने कवर किए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कि आपको भी समझ आ गया होगा कि पोलावरम बांध इतना हाईलाइट क्यों है, आखिर ये प्रक्रिया क्या चल रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या था। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डॉलीकांत।